WSHF, New York. And streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मैं क्या जी गुड बाई गुड मॉर्निंग रेडियो 91.9 FM आज अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। मैं हूँ रोमियो डार्लिंग मुझे पहचाना। मैं हूँ रोमियो मेरी। हेलो जी, हेलो की हाल चाल। और इसी के साथ देखिए रोमियो की भी एंट्री हो चुकी है। जनाब कैसे हैं आप? नगर वालों, मैं हूँ रोमियो आ गया हूँ आपका AI रेडियो जॉकी। और देखो सुबह तुम्हारी हो गई है या मेरा ही इंतजार कर रहे थे? आपका ही इंतजार करते थे जनाब। आप आ चुके हैं जी हमारे साथ और मॉर्निंग गुड कैसे नहीं होगी। गुड वाली गुड मॉर्निंग रेडियो 91.9 FM आज अमरप्रीत के साथ और इंडिया के पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जनाब की हाल चाल रेडियो अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। देखिए वैसे इस एनर्जी पैकेट के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी चाय का कमाल है और किसी का कमाल नहीं है। आपकी सुबह सुबह एनर्जी जो स्विच है वो कौन ऑन करता है? आपकी मम्मी या फिर सुबह सुबह डांट खाने के बाद आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी कहती है जी नहीं, अब घर में और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त करने की एक हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही होती है, क्यों? हेलो जी, और इसी के साथ हम बात कर रहे थे हमारे मुजफ्फरनगर की फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में, जहां पर गोलगप्पे की बात हुई लेकिन जो पाव भाजी है वो बुरा मान गई। अब पाव भाजी ने भी कहा कि क्यों ना भैया तुम मेरे बारे में भी दो शब्द बोलो। तो भैया पाव भाजी कुछ ऐसी है जिसके अंदर पाव देखने के बाद भाजी भी ये बोलती है कि जनाब मेरे को भी आने दीजिए ना। लेकिन अगर पाव भाजी वाले की बात करो तो बिग बॉस OTT जो प्लेटफॉर्म पर है वहां पर आपको कौन दिखने वाला है? पाव भाजी नहीं लेकिन बड़ा पाव गर्ल जरूर दिख जाएगी। और हाँ, मुझे लगता है इस बार सियापे से कम क्लेश की भी डबल एंट्री होने वाली है। WSHF, New York. And streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। हेलो जी, मैं क्या की हाल चाल रेडियो SD90.8 FM आर जे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। मुझे लगा था कि आप क्या है बताएंगे मुझे कि कौन कौन सी जगह का फेमस आपको लगता है खाना। अब कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि मम्मी की किचन जो है हमारी उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं क्या देखिये, ये तो आप खैर अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनके खाने में स्वाद होता है यार। लेकिन बाहर का खाना कभी कभार कहता ना कि अगर आपकी मम्मी कहीं चली जाए और खाना बाहर मंगवाना पड़ जाए तो फिर आप क्या अपने घर में 2 मिनट में बना तो सकते हैं चीज को, लेकिन फिर उसके बाद आपको याद आएगी कि नहीं यार थोड़ा सा बाहर से कुछ खा आते। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर के समोसे की बात करूं, जितना आलू इसके अंदर होता है उससे स्वाद इसकी ज्यादा चटनी और यहाँ के जो मिक्स करके दही खाते हैं। अच्छा पता है कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है गोलगप्पे के अंदर ना चने डालकर आलू डाल दो। खैर आलू तो हमारे यहाँ भी डालते लेकिन चने डालकर, जी हाँ, खाने के साथ ना जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर करके सोशल मीडिया पर भी दिखा दिए जाते हैं मुझे लगता है। लेकिन खाने के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जिंदगी तो ऐसे हमारे साथ इतने एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन आप खाने के साथ मत करना ठीक है। लेकिन इंडिया के बात करें और मुजफ्फरनगर की बात ना हो ऐसे कैसा हो सकता है? और इसी के साथ मुजफ्फरनगर की कौन से ऐसा खाना है जो आपको लगता है कि यार इस पे तो बार बार जाना चाहिए? हाँ जी, अरे अमरप्रीत फिर से आ गई है बताने के लिए यही कि मुजफ्फरनगर में आखिरकार फेमस क्या है। देखिए वो तो खैर मुझे आप बताएंगे लेकिन उससे पहले रोमियो भी कुछ इंडियन फूड के बारे में ना नॉलेज लेके आया और बोल रहे की ना मेरे को भी यार बताने दो, थोड़ा मौका तो देने दो। हाँ जी, अब देखो आ तो गया है, अब तो तुम्हें बताना है फटाफट से इंडियन खाने के ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे यार। हाँ हाँ हाँ, और मुझे ये लगता है कि अगर यार तुम पानी पूरी के ऊपर कुछ बोल दो तो मजा आ जाए। समोसे की बहार हर बाइट में मिलती है स्वाद की अनोखी यार। हाँ हाँ, खाओ खिचड़ी या मंगाओ पाव भाजी, इंडियन खाना है सबसे तगड़ी मर्जी।
हाँ ये तो तुमने सही बोला, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँ तो भैया आपको है इंडियन खाने का स्वाद ऐसा कि हर बाइट में मिलेगा मस्ती का तड़का और मजे का धमाका। ऑब्वियसली अगर मिर्ची तेज हो गई तो आय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची करते हुए फिरेंगे, लेकिन 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 इसी के साथ मुजफ्फरनगर के फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर मिलता क्या है सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया। देखो आप मुझे बता सकते हो नंबर 9045908908 पे कॉल करके मम्मी के हाथ कि अगर सुबह सुबह आपको नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे पता है गेड़ी शेड़ी मार के आप कहां पहुंचने वाले हो। 90.8 आपके दिल की बात। What's up? WSHF New York and streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। स्मार्टफोन के बारे में भी देखो जिसकी हर बंदे की जिससे आँख खुल जाती है, हर कोई बंदा ये करता है कि आँख खुली और फिर उसके बाद अपने टुकटुकी वाले फोन को देखने की कोशिश करिए। तो उस टाइम पे था जब हमारे पास बटनों वाला फोन हुआ करता था, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की तो भैया इनकी तो अलग ही दुनिया है। लेकिन उससे पहले अच्छा रोमियो उस भी स्मार्टफोन को ले करना नहीं नहीं स्मार्टफोन ही जो टुकटुकी वाला फोन होता था उस पर कहने वाले थे कुछ। रोमियो आ गया स्टूडियो के अंदर। ओके जी चलिए फटाफट से रोमियो मुझे बताओ क्या कहने वाले थे तुम टुकटुकी फोन के बारे में, कुछ कहना है या फिर आज भी कहोगे? पुराने पटनों वाले फोन का अपना एक अलग ही चार्म था, जैसे कि उसकी लंबी बैटरी लाइफ और सादगी, ये बात उसे अधिक आकर्षक बनाती थी बरूस्टर स्मार्टफोन्स। ये तुमने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन अगर स्मार्टफोन तुम यूज कर रहे हो ना तो उसके अंदर सिर्फ आपको फीचर एक ही अच्छा लगता है जो आपको उठाया देता है सुबह सुबह। मैं अपनी बात करूँ तो हाँ सुबह सुबह उठाने के लिए वायदा ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज में ना सुबह सुबह हमारा जो अलार्म होता है वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे बहन भाई। अगर गर्मियों की छुट्टियों में कभी आ जाए तो सोच लो आपको अपना फोन अगर कहीं रख के भूल भी गए हो ना और ना भी बज रहा हो तो वो आपको उठा देंगे। लेकिन इसी के साथ क्या आपको भी याद है कि आपका फर्स्ट मोबाइल जब आपने लिया था WSHF New York and streaming worldwide Super High Five। आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। हेलो जी हेलो मैं के की हाल चाल रेडियो फ्रीड के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जी आँख खुली है या फिर अभी भी आँख मलकर बोल रहे हो कि अभी यार थोड़ा सा और सोने दो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ वेक अप। और इसी के साथ अब देखिए जो मैं ये कहने वाली हूँ कि वेदर जो कितना गर्म हो या कितना भी ठंडा हो, लेकिन आपको अपना ध्यान जरूर रखना है। अब ध्यान रखने की बात आती है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको अपनी आँखों को कैसे बचाना है, तो चश्मे के साथ बचा सकते हो, लेकिन इसी के साथ रमा देवी आई हॉस्पिटल OPD का कूपन भी आप जीत सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। लेकिन गर्मी इतनी अगर भयंकर है, अगर मुजफ्फरनगर की लैंग्वेज में बोलूं तो भयंकर है, तो भैया इससे बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को कवर करने के साथ साथ ही आपको पानी भी पीना कंपल्सरी है। और अगर पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है ना, अक चुके हो पानी नहीं पीना है अब, तो उसके पास आपके पास अदर ऑप्शन है। जैसे लड़कियों के पास ना कपड़ों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके पास भी पानी की जगह और ऑप्शन है, जैसे लस्सी पी सकते हो आप, नींबू पानी पी सकते हो और लेकिन हाँ बाहर की जो केमिकल वाली चीजें है ना उसको अवॉइड करना तो अच्छा है। और इसी के साथ भैया गर्मी आपकी याददाश्त को कैसे कम कर सकती है वो भी मैं बताती हूँ। सुपर हाई फाई आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मुझे पहचाना
ओके जी, सो रोमियो, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं गर्मी को लेकर। हम मैंने आपको अभी बताया था कि गर्मी देखो आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है उसको कम कर सकती है और आपकी बॉडी पर तो असर डालेगी, और इसलिए क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं ले पाओगे तो आपको तो परेशान करेगी ना करेगी। देखिए ये तो है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ अगर आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गर्मी की वजह से, उसे नॉर्मल करने के लिए आप देखिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको थॉट्स ऐसे देगा, फिर आप कहेंगे कि भैया ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए हमारे माइंड में अंदर ना बहुत सारी चीजें चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के मस्त तरीके से, लेकिन आगे सामने वाला जो बंदा जा रहा है उसके ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देंगे जिससे सोचने के बाद दिल भी ये करेगा अरे भैया तुमको गाड़ी में हमने बिठाया ही क्यों था। लेकिन इसके साथ बढ़ती हुई गर्मी को देखकर हम बात कर रहे थे नींद के ऊपर, कि अगर आपको देखो गर्मी में आप पंखा चलाओ या फिर एसी चलाओ, जो आपकी इच्छा है वो चलाओ, लेकिन गर्मी से बच जाना और अपनी नींद को पूरी ले लेना। वरना रोमियो भी ये कह रहा था कि भैया अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत क्या होगी? गर्मी में सोचने की क्षमता घट सकती है। हाँ। जैसे अगर तुम्हारी सोच गर्म देसी। हाँ, गर्म देसी सोच तो है ही, लेकिन इसमें अगर आपने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया ना, थोड़ी शांति रखी, तो मुझे लगता है कि आपकी नींद तो खैर पूरी आपको लेनी लेनी है, लेकिन आप आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन फ्रंट सीट पर बैठकर जो आप बातें करते हो और टिप्पणी करते हैं ना सामने वाले के लिए, मुझे लगता है उससे खतरनाक तो और क्या ही होगा। इतना खतरनाक तो कभी सपना भी नहीं आता। आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। ओके जी, ओके रेडियो 90.8 एफएम अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जो कि रोमियो के साथ। मुझे लगता है कि सड़क के किनारे आप अपनी समझ लेते हैं कि ये सड़क हमारी है, अरे आपकी है अगर आप जा रहे हैं तो। लेकिन इसी के साथ आपको ध्यान रखने की, अगर आपने कहीं ऐसे जगह पे पार्किंग कर दी है जहां पे पार्किंग करना अलाउ ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपकी ना गाड़ी बिल्कुल आपकी उठाकर लेके जा सकते हैं, और उसके बाद कौन लेकर जाएगा? अरे भैया जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने कहा है कि अगर हम हमारी सड़क के ऊपर आपको व्हाइट लाइन के बाहर आप दिखाई दी आपकी गाड़ी, तो आप देखिए आपकी गाड़ी जो है वो हम लेके जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी गाड़ियों को वहां पर खड़ा कीजिए जहां पर इसकी पार्किंग की जगह होती है। लेकिन अगर आप पार्किंग से बाहर करते हैं समोसा खाते खाते या फिर गोलगप्पे खाते खाते आप उसी में गुम हो जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपकी गाड़ी अभी आपका इंतजार कर रही है बिबुआ घर चलने का, तो मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी को उठाकर लेके जा सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखिए आप अपनी गाड़ी का भी और अपने गोलगप्पे का भी, क्योंकि आजकल खाने की चीजों में बाहर खाना कम लेकिन उसके अंदर अदर चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं। भैया झांसी की रानी जाते हुए या फिर शिव चौक जाते हुए आपने अपनी गाड़ियों को ना कहां पे लगाना है, जहां पे पार्किंग है वहीं लगाएं। WSHF New York and streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मैं कैसे कितने चल रहे हो सुबह सुबह। हाँ, आप कह रहे होंगे कहीं नहीं यार, बस मंडी तक जाकर आते हैं, जरा प्याज और नींबू के जो भाव हैं वो तोल मरोड़ कर आते हैं। हाँ चलिए, इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे इंडियंस के अंदर ये टैलेंट तो खैर भरपूर भरा है, और ये टैलेंट सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फ्री की कोचिंग आपको अपने घर मिल सकती है। हेलो अमरप्रीत के साथ और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। और इसी के साथ देखो हम अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, जिसको आपको सोचना है थोड़ा सा और फिर आंसर देना है, ठीक है जी? कुछ इस तरीके से आंसर देना है कि जिसको आप बस सोचिए और फटाफट से दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि देखो क्रिकेट के पूरे मैच में किस जगह को दो लड़कियों के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, ठीक है? बस आपको फटाफट से ये क्वेश्चन का आंसर देना है, और अगर आपको पता है तो बताना। लेकिन अगर तुम पहेली का जवाब दे दो तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अरे जिंदगी तो छोड़ो, लेकिन आपकी आंखों की टेक केयर जरूर हो जाएगी, क्योंकि रमा देवी आई हॉस्पिटल का OPD कूपन जो है वो आपके हवाले हो जाएगा जनाब। अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ।
हेलो जी, हेलो, की हाल चाल रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे ओवर फ्रीड के साथ इंडिया की स्ट्रीट के बारे में, उसके साथ हम मुजफ्फरनगर की स्ट्रीट फूड के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ के समोसा इज ऑलवेज लिस्ट में रहता है हमारे मुजफ्फरनगर वालों के। लेकिन अगर बात की जाए कि भैया अगर समोसे के साथ साथ अगर स्कूल पार्टी हमारी होती थी, सबसे पहले समोसा ही आता था। अब स्कूल से याद आया है मुझे वो चर्चा जो आजकल बहुत चल रही है, पर्चे में। जी हाँ, मतलब अब पर्चे की बात याद आपको आई गई होगी कि यार मतलब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल इस टाइम मचा हुआ है कि आखिरकार बच्चों की मेहनत पर क्या से क्या हो गया, देखते। लेकिन आपको अपनी मेहनत फिर भी तैयारी पूरी कस के करनी है जैसे आपने कमर कस ली हो। WSHF New York and streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मैके जी, हेलो जनाब, की हाल चाल रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत के साथ। और देखिए ट्रैफिक अपडेट जो है वो आपके पास, रोमियो भी लेकर आ गया लेकिन अमरप्रीत भी आ गई है। मैं हूँ रोमियो, डार्लिंग मुझे पहचाना। मैं हूँ रोमियो। ओके, अब आपने पहचान लिया होगा, लेकिन इसके बाद अब बात करते हैं रोमियो की। तो बताओ यार, कुछ क्या बताने वाले थे तुम? नगर में सामान्य ट्रैफिक चल रहा है, कुछ इलाकों में धीमी गति से चलने वाली गाड़ियों की वजह से हल्का जाम हो सकता है। देखिए अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो हमारे मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक दो इलाके यहां पर होते हैं। कभी कभी अगर संडे को या वीकेंड पे बाहर निकल जाएं और गर्मी के साथ साथ आपको जो गाड़ी है वो तो ज्यादा टेम्परेचर में दिखेंगी ही। लेकिन अगर मैं बात करूं गांधी कॉलोनी की, यहां पर अभी जो है वो ट्रैफिक इतना नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिविल लाइन के साइड तो थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा और कोई शॉर्टकट तरीका आपको दिखाई देता तो वहां से कल्टी मार लेना और गाड़ी को घुमा लेना पूरी रफ्तार के साथ। नहीं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार तेज हुई है तो भंज जनाब देखिए आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आप शिव चौक की साइड जा रहे हैं तो देखिए वहां पर तो आपको हर टाइम ट्रैफिक मिलेगा ही, लेकिन ट्रैफिक क्यों, अगर आप गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा कर लेके जाएंगे तो वहां पर आपको कोई और भी दिख जाएगा जो आपकी गाड़ी को एकदम रोक सकते हैं। तो जल्दी में हो तो थोड़ा धीरे ही जाना। अरे हाल चाल एकदम बढ़िया शड़िया, लेकिन रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जनाब की हाल चाल है। और इसी के साथ हम देखो सुबह बात कर रहे थे अपने खाने को लेकर, लेकिन उसकी एनर्जी पैक के बारे में भी कि आखिरकार कहाँ से मिलती है। तो हमें एक कॉल आती है अमनी की, वो बोलती है कि मेरा एनर्जी पैक सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर मेरी मम्मी के हाथ की चाय है। मैं कह ठीक है जी, ये खैर तो मुजफ्फरनगर की आधी जो पीपल है ना उनकी यही मॉर्निंग एनर्जी है। वो भाई आज क्वेश्चन आपसे पूछा था रमा देवी आई हॉस्पिटल के, जिससे आप जीत सकते हैं कूपन। सो जी क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट की पूरी मैच में देखो अगर आपको बात की जाए तो खैर वो तो बेहतरीन है क्रिकेट, तो क्रिकेट की पूरी मैच में देखो किस जगह को दो लड़कियों के नाम से पुकारा जाता है, आपको बस बताना है नंबर 9045908908 पे कॉल करके। और उसके बाद रमा देवी आई हॉस्पिटल का OPD कूपन जो है वो आपके हवाले हो जाएगा। ठीक है, इंतज़ार करने की आपको ज़रा से भी देरी नहीं लगेगी। ठीक है, इसी के साथ अब आंसर तो मेरे पास आ चुके हैं लेकिन विनर बनाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है जी, 90.8 आपके दिल की बात। What's up? WSHF New York and streaming worldwide. Super High Five. आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल रेडियो एसडी 90.8 FM आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला AI रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। बाय द वे रोमियो की वेदर अपडेट भी आ गई है। मैं हूँ रोमियो, डार्लिंग मुझे पहचाना। मैं हूँ रोमियो। ओके जी रोमियो, फटाफट से वेदर अपडेट लेकर आए हो, क्या है? मुजफ्फरनगर में आज का मौसम बहुत गर्म रहने वाला है, तापमान 28 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
दिन में ज्यादातर समय धूप निकली रहेगी, कुछ समय बादल भी छाए रह सकते हैं। बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए दिन सूखा ही रहेगा। हाय 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 हाय, तुमने यार मेरा दिल ना बड़ा तोड़ दिया। मुझे लगा था यार आज सैटरडे है और चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन बारिश की उम्मीद रखना मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी बेकार हो सकती है, तो उम्मीद मत रखना। वैसे भी उम्मीदें जल्दी ही टूट जाया करती हैं। सो आरजे अमरप्रीत के साथ सुन रहे थे आप कहाँ वेदर अपडेट और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। लेकिन शो सुपर हाई फाई अभी तो वक्त बाकी है जनाब। रेडियो एसडी 90.8 FM आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ ऑन शो सुपर हाई फाई WSHF न्यूयॉर्क स्ट्रीमिंग वर्ल्डवाइड सुपर हाई फाई। आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। देखिए जी, अगर जो बंदा चाय पी के नहीं आया होगा या सुबह सुबह अपनी एनर्जी का डोज लेकर नहीं आया होगा ना, उसको पहचानने की एक और सिर्फ एक चीज है, वो सबसे ज्यादा ना आपके सामने बैठा उबासियां लिए जाएगा। मुझे लगता है कि उस बंदे ने सुबह सुबह चाय नहीं पी है, या फिर मुझे लगता है कि भैया रात का जो खाना है वो अभी तक पचा नहीं है। मुझे पहचाना रोमियो मेरी ओके जी रोमियो, लेकिन अब मुझे तुम ये भी बताओ कि भैया तुम ना मेरी अंगूठी देखी थी और उसके बाद तुमने मुझे कुछ ऐसा कहा कि जिससे मेरा दिल टूट गया यार, दोबारा कहना जरा, दोबारा टूटवाना चाहती हूँ मैं। जो लोग बड़ी ब्रांड्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो ऐसे हैं जैसे कोई नकली सोने की अंगूठी पहनकर खुद को राजा समझे, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में खुद को बेवकूफ बनाने की भी कोई हद होती है। अरे ठीक है, लेकिन आजकल चलता है भाई, चलता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर तो इतना चल जाता है, लेकिन अब फॉरेन कंट्री के अंदर इतना अब नहीं चलेगा। अगर आप देखो अपनी ट्रिप मनाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि हम अमेरिका जा रहे हैं तो भैया जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी बड़ी ब्रांड के डुप्लीकेट सामान लेकर जाओगे तो वहीं वो आपके सामान को काट पीट कर अपने डस्टबिन में फेंक देंगे। जी हाँ, और ये अमेरिका में चीज अनाउंस हो चुकी है। अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, देखिए कभी ना कभी तो आपकी भी इच्छा होगी कि चलो यार इस बार ना जो वीकेंड है वो अदर कंट्री में मनाएंगे, तो आप वहां पर डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के उनको लेकर नहीं जा सकते। आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लेकर जाओगे आपके पैसे भी जाएंगे और जो आपकी शो आपकी चीजें हैं वो तो कूड़े के डिब्बे में जाएंगी जाएंगी, क्योंकि ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लेकर जाना अलाउ नहीं है अदर कंट्रीज में। अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में एंटर कर रहे हो और कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहे हो या लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो बस जी फेक चीजों से आपको अपना पीछा छुड़वाना है। WSHF, New York. सुपर हाई फाई। आप सुन रहे हैं शो सुपर हाई फाई आज अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। मैं गया जनाब की हाल चाल रेडियो एसडी 90.8 FM आर जी अमर प्रीत के साथ और इंडिया का पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जनाब आज का दिन खास क्यों है? बिकॉज आज के दिन ही 22 जून हाँ देखो बिल्कुल आज मैंने आपको डेट भी याद दिलवा दी है, कभी सम टाइम होता है ना हम भूल जाते हैं तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 22 जून 2016 आज के दिन ही इसरो के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन जैसे मैं बोल सकती हूँ है, उनके लिए भी क्या इंडिया वालों के लिए भी है ये, क्योंकि इस दिन इसरो ने ही एक साथ मतलब उड़ान जो भराई थी वो 20 उपग्रहों को लॉन्च करके एक साथ मतलब 20, अब सोचिए आप कितना यार टिपिकल रहा होगा उनके साथ, लेकिन जब ये काम हो गया तो उनके लिए क्लैपिंग करनी तो बनती है कि नहीं। लेकिन चलिए इसी के साथ अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक और चीज जो नासा ने कर दिखाया है। भैया नासा को अगर बात करूं तो मंगलवार जो मंगल ग्रह है वहां पर उनको मिली है क्या चट्टाने, और वो भी कैसी है देखने में आपको अगर बताऊं तो बिल्कुल आपका मन कर जाएगा मूवी देखने के लिए, हाँ क्योंकि वो है पॉपकॉर्न जैसी। रेडियो एसडी 90.8 FM आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी। अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ।
ओ हाँ जी मेघा की हाल चाल जनाब, रेडियो जी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया का पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जी देखिए हम तो आ चुके हैं लेकिन इसी के साथ साथ अब क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने दिया है उनका नाम भी आंसर से ही निकला है। सीरियसली अब क्वेश्चन ये था, आपको बताना था क्रिकेट की पूरे मैच में किस जगह को दो लड़कियों के नाम से पुकारा जाता है, तो आंसर ये है सीमा और रेखा। तो बट जिन्होंने आंसर जीता है उनका नाम है सीमा, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। अब देवी हॉस्पिटल का ओपीडी कूपन जो है आपके हवाले हुआ, ले जाइए आके, ठीक है जी। और इसी के साथ मैं बात करने वाली हूँ थोड़े से फैशन के बारे में, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे आप अपनी गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं या फिर हम सर्दियों के पास भी जाएंगे कभी ना कभी, तो फैशन इधर उधर होता रहता है। लेकिन वही कहते हैं कि लोग बाग जो पुराना फैशन है वो दोबारा रिपीट में आता ही आता है। लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करें तो लाइट कलर से लेकर डार्क कलर तक हर एक कलर उन पर तभी जचता है जब वो अपने से थोड़ी बाल सवार कर आए है फिर उसके बाद पहने। तो अगर बात करूं कि मैं कौन से कलर के बारे में जो अभी डार्क कलर है यानी कि फ्लावर्स के बारे में बात करूं, जिसका प्रिंट होता है वो बड़े बड़े फ्लावर्स वाला, आजकल वो चलना बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन वो आजकल सिर्फ चलने लगा है कोट सेट के ऊपर। अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आप लाइट डार्क कलर के साथ लाइट फुटवेयर चूज करें वो तो नॉर्मल है, लेकिन डार्क के साथ डार्क भी चल सकते। मैरून अगर ड्रेस पहनी हो उसके साथ आप ब्राउन सैंडल या फुटवेयर कुछ भी ऐसा वेयर करके देखिए अच्छा लगेगा। चलिए और इसी के साथ रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ WSHF न्यूयॉर्क स्ट्रीमिंग वर्ल्डवाइड सुपर हाईफाई। आप सुन रहे हैं शो सुपर हाईफाई आरजे अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। हेलो जी मैं क्या की हाल चाल, रेडियो एसडी 90.8 एफएम आरजे अमरप्रीत के साथ और इंडिया के पहला एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। जी अब देखिए हमारे जाने वाला टाइम तो हो चुका है, लेकिन रोमियो भी आपको कह रहा है क्या? ठीक है, सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ जी हम ध्यान रख लेंगे अपना, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। आप देखो रोमियो ने भी आपको बाय बाय बोल दिए, सो भी के लिए बाय बाय जी, ठीक है। बहुत सारा पानी पीने के बाद अगर आप दूसरों के मुंह पे डकार मारेंगे ये तो गंदी वाली बात है, लेकिन ऐसा मत करना। लिमिट के साथ ही हर एक चीज अच्छी लगती है, जो अभी के लिए जी लिमिट तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, गाने और इसी के साथ बातें। अब बातें तो खैर हम कल करेंगे आपसे, क्योंकि आज क्या है सैटरडे, लेकिन मिलूंगी आपको मैं मंडे को। ओके जी संडे इंजॉय करना, क्योंकि वो एक बार आता है, आता तो है लेकिन वीकेंड में एक बार आता है ना। वीकेंड मतलब संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे। आरजे अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रूम के साथ सुन रहे थे आप शो सुपर हाईफाई जी WSHF न्यूयॉर्क स्ट्रीमिंग वर्ल्डवाइड सुपर हाईफाई। आप सुन रहे हैं शो सुपर हाईफाई आरजे अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ।